नहीं, हमने बता दिया था स्टूडेंट का एडमिशन करना, स्टूडेंट की फीस सबमिट करना, स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल करना और टीचर को सैलरी देना। इतने में आप लोगों को क्या क्या नहीं है? आपने कहाँ से पढ़ा? मैं थोड़ी सब्जेक्ट ठीक है, रिवीजन करवा देते हैं एक बार। अपन यहाँ पे अल्टर F1 से बाहर चलते हैं, F1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे कंपनी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट कंपनी बनाना तो आप सबको आते हैं, अपन ने वही कंपनी सिलेक्ट कर ली। स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए आप यहाँ पे ALC से लेगा बना लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे स्टूडेंट की क्लास। अगर आप 10th क्लास तक का बनाते हैं तब आपको फिर क्या डालना है? क्लास और स्टूडेंट का नाम। लेकिन अगर आप यहाँ पे 11th क्लास के बाद का बनाते हैं तब आपको क्लास के साथ स्टूडेंट का सब्जेक्ट भी यहाँ पे डालना है। आपका कौन सा कोर्स है भैया? बिजनेस शैली। अभी क्लास 11 बजे स्टार्ट होगी, आप वेट कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे डालेंगे पहले क्लास, फिर स्टूडेंट का सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आप डालते हैं स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, एंटर, फिर यहाँ पे आप डालेंगे स्टूडेंट का एड्रेस। स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, अंडर में आप इसे यहाँ पे डालेंगे डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि अपन स्टूडेंट का एडमिशन चाहते हैं। अंडर में आप इसे डाल देंगे डायरेक्ट इनकम में, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। इतने के लिए ऐसे अगर आप दूसरे स्टूडेंट से एडमिशन करते हैं तो पहले आप यहाँ पे क्लास डालेंगे, फिर स्टूडेंट का नाम, एंटर, यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस। अभी अपन ने यहाँ पे राइसन पहले डाला था, इसीलिए हम राइसन की आइए 1 2 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने एक बार यहाँ पे राइसन डाल दिया, फिर से सेम नाम से बनाओ तो डुप्लीकेट एंट्री बताएगा। इसलिए आप क्या डाल देना, पहले राइसन डाला आपने, फिर राइसन का सेकेंड स्टूडेंट है तो 2 डाल दोगे, थर्ड है तो 3, एंटर कर दोगे, अंडर में ही आ जाएगा डायरेक्ट इनकम में, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। अब अपन STF से बैच चलते हैं। STF की का यूज़ आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब वाउचर एंट्री के लिए क्या नहीं, बैंक का तो आप तब बनाइए जब स्टूडेंट आपको फीस फोन पे करता है, तब आप बैंक का लेजर बनाते हैं। तो जब अपन लेजर पे थे तब आप कहाँ से बना सकते हैं? ALC से आप पहले से बैंक का लेजर बना के रख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बनाना चाहते हो तब भी आप Alt+C से बना सकते हो। अगर आपने पहले से बना लिया है तो आप Escape से बैठ जाएंगे, आप यहाँ पे ALC प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप बैंक का लेजर बना लेंगे। लेकिन इसमें अपन ने शायद पहले बना लिया है इसलिए डुप्लीकेट बताया। यहाँ से आप बना सकते हैं। अब यहाँ से वाउचर एंट्री के लिए आप बी प्रेस करेंगे। स्टूडेंट फीस सबमिट कर रहा है तो एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि स्कूल में फीस आ रही है। अब अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आ रहा है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट। आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बार। तो आप इसे क्या करेंगे, नो कर देंगे। नो करके जैसे ही आप इसे एंटर करके सेव करेंगे यहाँ पे 2 और 2 आने लगेगा। अगर आप उसे यस करेंगे तो डेबिट क्रेडिट आएगा, नो कर देंगे तो 2 और 2 आ जाएगा। अब आप 2 में लिखेंगे स्टूडेंट का नाम। जैसे 10th क्लास की रानी आपको फीस पे कर रहे हैं तो जैसे ही आपने यहाँ पे 10th लिखा, आप देखेंगे जैसे ही अपन यहाँ पे 10th लिखेंगे 10th क्लास के स्टूडेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट अपन को फीस पे कर रहा है, स्टूडेंट कौन है? देने वाला। 2 में आ जाएगा स्टूडेंट का नाम, कितनी फीस दे रहा है आप अमाउंट डाल देंगे। बाय में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास फीस आ रही है तो बाय में आप लिखेंगे केस, एंटर कर देंगे। नरेशन डालेंगे बीन फीस रिसिप्ट, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। तब आपको यहाँ पे 2 में स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट आपको फीस पे चल रहा है, जैसे 11th क्लास से स्टूडेंट अपन ने अभी यहाँ पे लेकर बनाया था शिवम नाम का, ये स्टूडेंट आपको फीस पे कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है? फोन पे से। तो 2 में आप लिखेंगे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे। फिर स्टूडेंट अगर आपको
केस देता है तब आप केस लिखते हैं, लेकिन अगर फोन पे कर रहा है तब आपको यहाँ पे बाय में लिखना है बैंक, बाय में आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक। अगर बैंक चले जाए पहले से बना हुआ तो यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं बना तो अल्टर प्लस सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट आप वाउचर एंट्री से लेजर पे पहुंच जाएंगे। अब एंटर करेंगे, यहाँ पे आप निरसन डाल देंगे, बिन फीस रिसिप्ट ऑन फोन पे, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। इस टाइप से आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, इतना क्लियर। इससे आप देखते हैं, अब आपने इस स्टूडेंट की यहाँ पे एंट्री की, स्टूडेंट को अपन जब स्टूडेंट अपन को फीस जमा कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10th क्लास की रानी, इस स्टूडेंट ने पहले आपने कितने जमा किए थे 5,000, देखिए करंट बैलेंस बता। अब ये स्टूडेंट आपको 2,000 फीस और पे कर रहे हैं, आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, बाय में आ जाएगा केस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नेरेशन डाल देंगे, बिन फीस रिसिप्ट। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, नेरेशन पूरी यहाँ पे बार बार टाइप करनी पड़ रही, जबकि नेरेशन अपन सब में सेम डाल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, इस नेरेशन को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल अल्टर प्लस सी से, आप इसे कॉपी कर लेंगे, फिर आपको बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट की फीस स्लिप का पहले आप प्रिंट देंगे, जब आप स्टूडेंट की फीस जमा करेंगे उसे प्रिंट आउट देंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट का, आप इसे यहाँ से यस कर देंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की फीस आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कितना अमाउंट बता रहा है यहाँ पे, सिर्फ 2,000 जो स्टूडेंट ने अभी जमा किया है, लेकिन टोटल स्टूडेंट ने फीस कितनी जमा की है अपन को 7,000, ये बता रहा है करंट बैलेंस 7,000, अभी उसने 2,000 की है। तो अभी आप जब यहाँ से प्रिंट आउट निकालेंगे तो कितनी स्लिप का निकल रहा है, सिर्फ यहाँ से 2,000। अगर आपको सिर्फ इस फीस से निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ने आपको पहले भी फीस पे की थी, आपको उसका भी प्रिंट आउट यहाँ पे उसे देना है, टोटल 7,000 फीस का। तब आप क्या करेंगे, एसटीएफ से पहले आप पूरा भर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, फिर आप प्रेस करेंगे DAN, आप डाल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लेजर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सर्च कर लेंगे, 10th क्लास से स्टूडेंट है रानी नाम, आप एंटर करेंगे, देखिए बता रहा है स्टूडेंट ने पहले आपको 5,000 दिए, फिर 2,000, टोटल 7,000 है। अब यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, देखिए अब आपको बता रहा टोटल फीस स्टूडेंट ने आपको 7,000 पे किए। इस टाइप से आप स्टूडेंट को यहाँ पे फीस स्लिप का प्रिंट आउट दे सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं प्रिंट के लिए अपन इस पे क्लिक करते हैं, प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस पी, आप अल्टर प्लस पी करेंगे तब भी आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस पी। क्लियर, इतना चल लेंगे आप लोग। अब जैसे 11th क्लास में शिवम नाम के स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, उसने अपन को फीस पे की थी, अब वो स्टूडेंट आपसे अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, वो स्टूडेंट बोलता है मेरा एडमिशन आप कैंसिल कर दो, तब आप क्या करोगे, उस स्टूडेंट को उसकी फीस रिटर्न करोगे, तब आप यहाँ से वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करोगे। अब स्टूडेंट को फीस रिटर्न करना, एडमिशन कैंसिल करना है, तो क्या हो रहा है अपने पास से फीस जा रही है, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपने पास से फीस जा रही है तो एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा उस स्टूडेंट का नाम जिसको अपन फीस रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट पाने वाला अकाउंटिंग का रूल है, पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं। जब स्टूडेंट फीस जमा करता है तब स्टूडेंट कौन होता है, देने वाला, अपन होते हैं पाने वाले, अपन स्टूडेंट का नाम टू में लिखते हैं। अब आप स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उसे फीस रिटर्न कर रहे हैं, तो स्टूडेंट कौन है, पाने वाला, अपन है देने वाले, तो बाय में आ जाएगा स्टूडेंट का नाम। जैसे आप शिवम का एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, कितनी फीस पे की थी इसने आपको 2,000 बता, लेकिन आप इसे पूरा 2,000 अमाउंट वापस नहीं करेंगे, आपका जो एडमिशन चार्ज है वो माइनस करने के बाद, आप इसे अमाउंट माइनस करने के बाद चार्ज वापस कर देंगे। जैसे इसने आपको 2,000 फीस पे की थी, अब आपका एडमिशन चार्ज है 1,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे 1,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट इनका बच रहा है वो आप वापस कर देंगे, 2,000 में से 1,000 आप वापस कर देंगे, क्योंकि 1,000 अपना एडमिशन चार्ज है, आप यहाँ कितना लिखेंगे 1,000। टू में अगर आप इन्हें केस दे रहे हैं तो आप केस लिखेंगे, अगर आप इन्हें फोन पे से दे रहे हैं या नेट बैंकिंग तो आप क्या लिख देंगे बैंक, क्योंकि बैलेंस कहाँ से कम होगा, बैंक में से, अपन केस दे रहे हैं तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं केस, एंटर करेंगे, आप नेरेशन डाल देंगे।